फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी वुमेंस डे ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। हर माँ, हर बेटी, हर बहू को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। आज मैं स्पेशल ये मैक्रोनी पास्ता आप सभी के लिए मैंने बनाया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्रोनी बनाना। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट लिया है, दो टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, एक शिमला मिर्च को काट लिया है बारीक, एक गाजर को काट लिया है और फ्रेंच बीन्स दो तीन मैंने काट लिए है और गार्लिक की दो तीन कलियाँ भी मैंने फाइनली चॉप कर ली है और तीन चार चम्मच तेल लिया है यहाँ पर मैंने और एक ग्रीन चिली लिया है। तो सबसे पहले चलिए हम मैक्रोनी को उबाल लेते हैं। देखिए, मैंने भगोने में पानी को रखा है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं मैक्रोनी को डाल देती हूँ। जब भी हम मैक्रोनी या नूडल्स को उबालेंगे, हम इसमें दो चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा मैक्रोनी या नूडल्स स्टिकी नहीं रहता है, खिले खिले रहते हैं। देखिए, मैक्रोनी उबल गई है अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से उबल गई है मैक्रोनी। अब इसको हम ड्रेन कर लेते हैं। खिले खिले मैक्रोनी पास्ता कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलिए, मैंने यहाँ पे पैन लिया है मसाला मैक्रोनी बनाने के लिए, तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब चलिए तेल को ऐड करते हैं इसमें। तेल इसमें हम ज़्यादा ऐड करेंगे, तीन बड़े चम्मच। तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं गार्लिक को ऐड करती हूँ और साथ ही साथ ग्रीन चिली को भी ऐड कर देंगे। इसको एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को भी दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसमें फ्रेंच बीन्स को ऐड करेंगे और गाजर को, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। मिर्च को ऐड कर देंगे। फिर हम टमाटर को ऐड कर देंगे। इसको पकने देंगे अच्छे से। जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसमें मैक्रोनी को नहीं ऐड करेंगे। इसके लिए हम नमक को ऐड कर देंगे सॉफ्ट होने के लिए। जब भी एक चम्मच नमक मैं ऐड करती हूँ, इसे मिला लेंगे और इसको ढक के पकाएंगे सारी सब्जियों को। देखिए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है हमारा। अब इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ और साथ ही साथ हम टमाटो केचप दो चम्मच डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसका देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है मसाला मैक्रोनी। अब हम इसमें मैक्रोनी को ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें हम चीज़ को ग्रेट कर देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको चीज़ खाना पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है चीज़। अब इसको दो मिनट तक ढक के रख देंगे। मैक्रोनी हमारी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, मसाला मैक्रोनी पास्ता मेरा बनके रेडी हो गया है और चीज़ भी मेल्ट हो गया अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको ऑफ कर देते हैं फ्रेंड्स। तो मैं एक प्लेट में इसको सर्व कर लेती हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।